हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू प्रियांशु ब्लॉग्स। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, आप सबका इतना प्यार मिल रहा है। तो आज मैं इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ कि आप जॉब कैसे पा सकते हो इजीली किचनर एरिया में, जहाँ मैं हूँ अभी। तो जो कॉनेस्ट होगा कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ज़्यादा स्पेशल वीडियो है, बिकॉज उनको बेनिफिट ये होने वाला है क्योंकि मैंने 10 से 15 दिन कई एजेंसीज में धक्के खाए हैं, और धक्के इन द सेंस मैं बहुत ही ज़्यादा एजेंसीज में गया हूँ, और मैंने वो स्कैन करके बहुत सारे थोड़ी सी एजेंसी के एड्रेस मैंने पता किए हैं, और मैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जॉब होती कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए होता है अपना सिन नंबर, सोशल इंश्योरेंस नंबर। सिन नंबर वो होता है कि आप, मैं इसकी सेपरेट वीडियो आपको मेरे से मतलब मिली होगी, आप वीडियो सेक्शन में जाओगे तो वीडियो सेक्शन में वो लिखा होगा व्हाट इज सिन, वो वाली वीडियो देख लेना, सिन के बारे में आपको सारी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, सिन नंबर चाहिए, आपको पासपोर्ट चाहिए, आपकी फोटो आईडी पासपोर्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको एजेंसी जाना है, कह देना आई जस्ट नीड जॉब, वो रजिस्ट्रेशन करेंगे आपकी, आपका थोड़ा पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद आपका थोड़ा छोटा सा इंटरव्यू होगा। तो ये फैक्ट्री शिफ्ट ही देते हैं जितने भी हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ नाम बता देता हूँ, प्रोडिजी हो गया, पाथफाइंडर हो गया, मैक्सिस हो गया। हालांकि आपको कोई घबराने की बात नहीं है, सारा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, लिंक नहीं इन द सेंस सारा एड्रेस डाल रहा हूँ कौन सी चीज कहाँ पे है, आपको इजिली मिल जाएगी। तो जो किचनर एरिया में नहीं है उनके लिए मैं जॉब ऑप्शंस बता दूं, ऊबर ईट्स के बारे में भी बता देता हूं, ऊबर ईट्स के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पर इसमें समरी बता देता हूं कि ऊबर ईट्स क्या फ़ायदा है। ऊबर ईट्स आप बाईसाइकिल पे कर सकते हो, हालांकि मेरे फ्रेंड ने की है बाईसाइकिल पे, और कल ट्रिप मारी तो एक दो घंटे में $11 ही हुए, बट इट वॉज क्वाइट वेरी गुड, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो गाइस, यहाँ पे आके जब आप कैनेडा आओगे ना, तो बी प्रिपेयर्ड, मैं प्रिपेयर भी नहीं था। तो अपने साथ सामान लाना, जो चीज़ें मैं भूल गया हूँ मैं लोगों को बता रहा हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिस्ट डाली है, वहाँ से वो चीज़ें जरूर बाय करके लाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगी है, बाद में आपको पछतावा होगा। मसाले वगैरह जरूर लाइएगा, ठीक है? तो वो तो सेपरेट हो गया। ठीक है, तो जॉब के बारे में यही है कि ऊबर ईट्स कर सकते हो आप। ठीक है, ऊबर ईट्स का आईडी बनाने के लिए ऊबर ग्रीन लाइट पे जाओ। ठीक है, एजेंसीज में रजिस्टर करा सकते हो। एजेंसीज में रजिस्टर कराने से ये होगा कि वो जैसे उन्हें कोई क्लाइंट कहेगा कि मुझे इतने बंदे चाहिए, वो आपको कॉल करेंगे कि आर यू अवेलेबल फॉर द फुल टाइम शिफ्ट, 8 घंटे की आप शिफ्ट लगाना। तो हफ्ते में हमें 20 आवर्स अलाउड है। ठीक है, हफ्ते में हमें 20 आवर्स काम करना पड़ेगा, तो आप 2 दिन ही शिफ्ट लगा सकते हो, 8-8 घंटे की, 16 घंटे की। अदरवाइज अगर आपने तीन शिफ्ट लगाई तो वो 24 घंटे हो जाएंगे, तो फिर वो थोड़ा इलीगल काम हो जाता है, तो उससे आपको वर्क परमिट में प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसा कर सकते हो, फर्स्ट वीक आप 2 दिन शिफ्ट लगाओ, उसके बाद तीसरी शिफ्ट मतलब 3 शिफ्ट अगले दिन लगा लो, मतलब अगले हफ्ते लगा लो, जिससे ये होगा वो बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है, तो सिन पे आपको काम बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, किचनर एरिया, टोरंटो, ब्रैंडफोर्ड, स्टैंडफोर्ड और ब्रैम्पटन, स्कारब्रो, ये एरिया इतने भरे हुए हैं ना काम से भाई, तुम लोगों को काम मिलेगा ही मिलेगा। कौन कहता है यहाँ पे काम नहीं भाई, ढूंढना पड़ता है काम, ऐसे घर बैठे प्लेट में नहीं मिलेगा। हम कैनेडा में आ गए, खुद की रोटी खुद बनानी पड़ती है, सारा काम खुद करना पड़ता है, कोई किसी को पूछता नहीं। हालांकि मेरे बहुत ही अच्छे, हम वेरी लकी कि इतने अच्छे लोग मिले हैं, मेरे सारे दोस्त हैं, हम 5 लोग रहते हैं, पीयूष, अभिषेक, वंश, दिशांत और मैं, हम बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। सो गाइस, छोटी सी अनाउंसमेंट थी आप लोगों के लिए, अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, और बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, और शेयर जरूर करिएगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी, क्योंकि मैंने 10-15 दिन बहुत धक्के खाए हैं, इधर से उधर गया हूँ, घूमा हूँ, एजेंसी में गया हूँ, तब जाके ये सारी एजेंसी के नाम पता लगे हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जो सितंबर इनटेक में आने वाले, ताकि उन्हें थोड़ी और गाइडेंस मिले और थोड़ी और हेल्प मिले। सो गाइस, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी जर्नी टू कैनेडा, बाय बाय।
Thank you.